हेलो गाइस, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट के बारे में। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट जो है ये एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होता है, और जिसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और इसको फर्स्ट 3 मंथ अर्थात पहले के 3 महीने तक हफ्ते में 2 टैबलेट आपको लेने होते हैं। जैसे कि अगर आप एक टैबलेट संडे को ले रहे हैं तो आप दूसरी वाली टैबलेट वेडनेसडे को ले सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ ही होता है। फर्स्ट 3 मंथ के बाद आपको हफ्ते में 1 टैबलेट लेने होते हैं, अर्थात एवरी संडे, हर संडे को आपको 1 टैबलेट लेने होंगे। और ये जो एक कंट्रासेप्टिव टैबलेट है ये नॉन स्टेरॉयडल है, अर्थात आपको और जो भी टैबलेट आपको मिलते हैं मार्केट में कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स में, वो अक्सर स्टेरॉयडल होते हैं, जिससे कि औरतों की वेट जो है बढ़ जाती है। वज़न बढ़ने की काफ़ी शिकायतें आती हैं कि वज़न बढ़ रही है इन टैबलेट से। तो ये जो सहेली टैबलेट है, इस टैबलेट को खाने से आपकी वज़न नहीं बढ़ेगी, और इसको लेना भी आसान है। आपको डेली नहीं लेना है, जैसे मालाडी है तो आपको डेली खानी होती है 1 टैबलेट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको हफ्ते में 1 ही खानी होती है। सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ आपको हफ्ते में 2 टैबलेट लेनी पड़ेंगे, उसके बाद आप रेगुलरली हफ्ते में 1 फिक्स कर लें, और जब तक चाहें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब करें। तो इसको शुरुआत आप पीरियड्स चालू होने के फर्स्ट डे से भी कर सकते हैं, या पीरियड्स ख़त्म हो जाए उसके बाद से आप 1 टैबलेट लेना शुरू कर सकते हैं। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद से अगर आप टैबलेट लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम महसूस होंगे आपको, लेकिन ये दिक्कत रहेगी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो इसलिए जब से आप टैबलेट शुरू कर रहे हैं उसके बाद से भी आपको फर्स्ट 2 हफ्ते तक आपको 2 वीक्स आपको संबंध नहीं बनाने होंगे, आपको दूरी बनानी होगी, और उसके बाद से आप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये आपके शरीर पर पूरा काम न कर जाए टैबलेट, तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इसलिए आप फर्स्ट जब से शुरुआत करें तो उसके 15 दिन तक आपको बचानी होगी, आपके इंटरकोर्स से अर्थात संबंध बनाने से आपको बचाना पड़ेगा। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बताते हैं आपको। तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि आपको टैबलेट का जो है फर्स्ट डे से जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक से, तो कभी कभी कुछ औरतों की ये शिकायतें आती हैं कि पीरियड्स जो है इररेगुलर हो जा रहा है। पीरियड्स या तो 2 या 4 दिन आगे या 2 या 4 दिन पीछे आ जाता है, अर्थात 2 या 4 दिन घट या बढ़ के आ सकते हैं, या कुछ ब्लीडिंग बढ़ के हो सकती है। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको 1 या 2 महीने तक ऐसी समस्याएँ महसूस होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। अब इस टैबलेट को कौन से औरतें न लें। इस टैबलेट को न लेने वाली औरतें वो हैं जिनको कुछ लेबर प्रॉब्लम है, अर्थात पीलिया वगैरह, जॉइंटिस की शिकायत अगर कुछ है, या उन औरतें की वेजाइनल कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस कोई सिस्ट वगैरह है, तो ऐसे लोग इसे न लें। हार्ट के या बीपी के पेशेंट अगर हैं तो भी आप इसे न लें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। हाँ, आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसे ले सकते हैं, तो आप जब भी इसे स्टार्ट करें तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो हर टैबलेट की होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपकी कुछ एलर्जी है तो भी आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करें। सहेली का जो साल्ट नेम है वो सेंट क्रोमान टैबलेट कहलाता है। सेंट क्रोमान नाम से आप इसे जेनरिक नेम से भी जान सकते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सेंट क्रोमान में ही सेम साल्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी अर्थात सरकारी अस्पताल से आपको फ्री में ये मिल जाती है। उसका नाम होता है छाया नाम से, आपको ये फ्री में टैबलेट मिल जाएंगी सरकारी अस्पताल से। तो आप अपने आशा से संपर्क कर सकते हैं और इसे फ्री में भी ले सकते हैं। सेम यही साल्ट होता है और सेम यही प्रोसेस होता है उसे भी लेने की, तो आप इसे सरकारी अस्पताल से भी फ्री में ले सकते हैं।
अगर इसके हम MRP की बात करें तो ये मात्र 25 रुपये में आपको 8 टैबलेट का एक स्ट्रिप मिलता है आपको, जो मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और भी एक जानकारी दे दूँ कि इस टैबलेट का जो है ब्रेस्ट कैंसर में भी उपयोग किया जाता है। अगर किसी औरतों का ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इस साल्ट का उपयोग किया जाता है, ऐसी दवाएं चलाई जाती हैं। तो इससे आपको एक और भी फ़ायदा ये रहेगा कि आपको भविष्य में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उससे भी आप बचे रहेंगे। क्योंकि ये टैबलेट जो है ब्रेस्ट कैंसर में भी चलाई जाती है, या एक्स्ट्रा ब्लीडिंग जो है यूट्रस ब्लीडिंग में भी इस टैबलेट को दिया जाता है।